Hello everyone, hope you are doing well. Myself Gaur Sharma. So this video is regarding the what is the syllabus of the PowerGrid का जो एग्जाम होने वाला है ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस के लिए. तो 30 पोस्ट अराउंड है जिसका लास्ट डेट है 30th नवंबर 2023. तो अभी 2 डेज रिमेनिंग है. तो उसके अंदर आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज के 120 क्वेश्चन आएंगे. तो उसके लिए क्या सिलेबस होगा ये मैं इस वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ. तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सिर्फ फाइनेंस वालों के लिए वीडियो है, तो वही पर्सन इसको वॉच करें. तो सिलेबस फॉर प्रोफेशनल नॉलेज, फर्स्ट बात करते हैं कि जो 120 क्वेश्चन है उसमें बहुत सारा तुम्हारे जो सब्जेक्ट है वो आएंगे. अगर हम कोस्टिंग की बात करें तो जो कोस्टिंग की आपको प्रिपरेशन करनी है वो जो आईपीसीसी का हमारा स्टडी मटेरियल है कोस्टिंग का, जिसमें आपको जो वेरियंस है, मार्जिनल कोस्टिंग है, मटेरियल लेबर वेरियंस और स्टैंडर्ड वेरियंस जो भी है, वो सारे आपको जनरल कंसेप्ट क्या करने हैं, स्टडी करने हैं. न्यूमेरिकल पे इतना मत जाना क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन है, तो जनरल कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो वहां पे तुम्हें वो प्रिपरेशन करना है. डिफिकल्ट न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आ सकते क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव में तुम्हें आंसर देना है. तो ईजी क्वेश्चन होंगे, बट डेट डिपेंड्स ऑन द लॉजिकल रीजनिंग की उस पर क्या जो सेंटेंस लिखा है उसका क्या ऑप्शन होंगे, तो उस पर डिपेंड करेगा. तो इसमें तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए. तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो कि कोई क्विक रिवीजन नोट्स वगैरह होंगे उनको साइट से डाउनलोड करके उनको ट्राई कर सकते हो. अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे जाते हैं तो ये एक इम्पोर्टेंट है जहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं. जैसे तुम्हारा प्राइमरली तुम्हें क्या करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर, रेसोज, कैपिटल बजटिंग, लिवरेज. कैपिटल बजटिंग में भी जो आपका ये होता है ना कि प्रॉफिट पे बैक पीरियड क्या है, प्रेजेंट वैल्यू वाले मेथड, सारी चीज़ें देखनी है तुम्हें. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो ये सारे रेसोज वगैरह इनके क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होंगे. तो वो सारे तुम्हें टेस्ट करना है कि करंट रेशो कब यूज किया जाता है, क्विक रेशो कब यूज किया जाता है, डेप्ट इक्विटी रेशो, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए. तो इसके लिए तुम समरी नोट प्रिपेयर कर सकते हो और वहां से तैयार कर सकते हो. ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फाइनेंस में. उसके बाद बात करते हैं किसका, अकाउंट्स का. तो अकाउंट्स में जो है वो ज्यादा चीजें नहीं पूछ सकते. मेनली क्या होगा कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है अकाउंट्स के, मतलब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हो गया, सेपरेट एंटिटी का प्रिंसिपल हो गया, तुम्हारा प्रूडेंस कंसेप्ट हो गया, ये सारी चीजें तुम्हें बेसिक जो है फंडामेंटल, मतलब ट्वेल्थ का या जो तुम्हारा आईपीसीसी के जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर होते हैं, वो सारी चीजें तुम एक बार स्टडी कर लेना, एक बार रीड कर लेना. और इंडेस जो है ना, तुम्हें तुम्हें प्रीफ्रेंस देना है कि तुम्हें प्रत्येक जो भी इंडेस है उसका नेम याद होना चाहिए. कि जैसे इंडेस 101 है, 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंडेस 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, 115, 116, उसके नाम और उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या स्टैंडर्ड के अंदर कवर्ड होता है. जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, उसके अंदर क्या क्या चीजें कवर्ड होंगी, क्या क्या चीजें कवर्ड नहीं होंगी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो चीजें पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव. तुम यहाँ पे ये मत करो कि तुमसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए. स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है, कि ऑब्जेक्टिव क्या था स्टैंडर्ड के पीछे लाने का, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. तो अकाउंट्स का लो एंड ऑडिट, लो एंड ऑडिट में भी काफी सारे क्वेश्चन आएंगे. अगर लो का स्पेशली बात करें तो कंपनी लो, और कभी कभी क्या होता है जो ये आपके जो लेबर लो होते हैं उससे भी क्वेश्चन आते हैं. तो थोड़ा तुम ट्राई कर सकते हो कि कोई रिवीजन वीडियो यूट्यूब वगैरह पे हो तो वहां से उसको प्रिपेयर कर लो. और ऑडिटिंग में जो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है उनके तुम्हें जो 700 सीज है वो, प्लस जो ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के हैं या गवर्नमेंट ऑडिटर से रिलेटेड जितने सारे कंसेप्ट है वो जरूर पढ़ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं. जब भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है तो वहां से वो क्वेश्चन पूछते हैं उसको. तो इन चीज पे मेन फोकस रखना लो एंड ऑडिट के अंदर. अभी बात करते हैं टैक्सेशन का. तो टैक्सेशन में फर्स्ट प्रिफरेंस देना जीएसटी को, क्योंकि जीएसटी क्या है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और डेली बेसिस पे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. जैसे ई वे बिल, ई इनवॉइस का क्या लिमिट है, कब हमें इनवॉइस बनाना है, कौन कौन से केस में ई वे जो इनवॉइस है एग्जेम्प्ट है या ई वे बिल एग्जेम्प्ट है, कब नहीं बनाना है. तो ये जो शेड्यूल है, शेड्यूल फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये चीजें तुम्हें देखनी पड़ेगी. जो सप्लाई वाले शेड्यूल है वो टीवीएस टीसीएस इन जीएसटी. और इनकम टैक्स में बात करें तो इनकम टैक्स में तुम्हें, मतलब जनरली अंडरस्टैंडिंग होती है इनकम टैक्स की, तो उसमें टीडीएस टीसीएस के कुछ, मतलब कब एप्लीकेबिलिटी होगी, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है, ये सारी चीजें देखना. कैपिटल गेन के कुछ सेक्शन देख लेना. तो जो ये आपका बेसिक है उसको एक बार थोड़ा गो थ्रू कर लेना, डिडक्शन वगैरह पे थोड़ा ध्यान दे लेना. तो ये हेल्प करेगा आपको जो 120 क्वेश्चन है, बट अच्छे से ट्राई करना, अच्छे से क्या करना है तुम्हें प्रिपेयर करना है इसके लिए. अगर कुछ और भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसके लिए वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा. थैंक यू.